Oh, my dear students, this topic is for 11th class. जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी क्लासिफिकेशन में हैं, जिसमें हम प्रोटिस्टा डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने किया था, जो प्रोटिस्टास में हमने यूक्लिनाइड्स डिस्कस किए थे, और आज हम प्रोटोजोन्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोटोजोन्स क्या है? दीज आर एक्चुअली हेलियोट्रॉप्स। हेलियोट्रॉप्स यानी कि न्यूट्रिशन जो है, दैट इज हेलियोट्रॉप। हेलियोट्रॉप में भी क्या है? पैरासिटिक, हालोजोइक, सैप्रोफिटिक। तो जहाँ तक देखा गया है कि प्रोटोजोन है, दीज आर एंसेस्टर्स ऑफ द किंगडम एनिमिलिया, बिकॉज एनिमिलिया के पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और प्रोटोजोन्स के पास भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। एनिमिलिया के पास सेल वॉल नहीं है, प्रोटोजोन्स के पास भी सेल वॉल नहीं है। हाँ, कुछ मेंबर्स में कवरिंग है, लेकिन ऑलमोस्ट इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। जहाँ तक इन प्रोटोजोन्स का ताल्लुक है, इन प्रोटोजोन्स को चार कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे। एक तो एबोवाइड प्रोटोजोन्स, दूसरा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, तीसरा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और चौथा जो है स्पोरोजोन्स। सबसे पहले हमें आएंगे एबोवाइड प्रोटोजोन्स। इनकी खसूसियत यह है कि इनके अंदर सीडोपोडिया होता है। व्हाट इज सीडोपोडिया? क्या है सीडोपोडिया? सीडो मींस फॉल्स, पोडिया मींस फीट, फॉल्स फीट। यानी कि इनका करेक्ट नंबर जो है वो है एमोबा, एमोबा या एंटेमोबा। अनुभव आपने देखा होगा, स्मॉलेस्ट क्रीचर है। ये क्या करता है? अपने साइटोप्लाज्म को, सपोज दिस इज एमोबा, ये अपने साइटोप्लाज्म को आगे आगे करके यहाँ से इस तरह से ऐसे बनाता है, फिर ऐसे बनाता है। ये साइटोप्लाज्म को आगे आगे करके यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ से बाहर जाता है, और इनसे ये वाली चीज़ें बनती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सीडोपोडिया। और इन सीडोपोडिया की मदद से क्या करता है? It helps it, this amoeba, to move in the water. ये water में movement करने में इसको मदद करता है, इसीलिए हम कहते हैं इनको amoeboid protozoans। वो amoeba है, entomobia है। entomobia का जहाँ तक ताल्लुक है, ये parasitic है। ये अगर हम देखेंगे, ये एक disease काज करता है human beings में, that is called as amoebic dysentery। हमारे अंतड़ी में रखे, उनको खुरूजता है, खुरूजने से क्या, फिर वहाँ से एक डिजीज लगती है जिसको हम एमोबिक डिसेंट्री कहते हैं। यानी खून वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, हमारे बड़े उपचार के साथ निकलता है, और फिर हमें दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके हम ठीक हो जाते हैं। तो दिस इज एमोबाइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इनमें क्या खसूसियत है? दैट इज दे कंटेन सीडोपोडिया व्हिच हेल्प्स देम टू मूव इन द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल है, करेक्टिव मेंबर रहता है एमोबा है, एंटेमोबिया है। एंटेमोबिया पैरासिटिक होता है, वो ये एमोबिक डिसेंट्री काज करता है इंसानों के। दूसरा है फिर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला इनका एग्जांपल, ये तो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं, ये भी हेटेरोट्रॉफिक हैं। इनका एग्जांपल है ट्राइकोमोनास, राइट, ट्राइपैनोसोमा या ट्राइकोमोनास। ट्राइपैनोसोमा एक डिजीज काज करता है इंसानों के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये ब्लड के सेल्स के अंदर रहता है और वहाँ पे एक डिजीज काज करता है, जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है, अगर इसका इलाज वक्त पर नहीं किया जाएगा तो इंसान को मार भी सकती है। और जिस वेक्टर के जरिए से, जिस फ्लाई के जरिए से फैलती है, जिसका वैक्टर है, दैट इज सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई की वजह से ये डिजीज जो है फैलती है। कौन सी डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस।
हमारे यहाँ इंडिया में ये नहीं पाई जाती है, ये तो अक्सर अफ्रीका में पाई जाती है, यहाँ पर नहीं पाई जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है इसका फिर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ का दूसरा जो है दैट इज ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास भी हम ह्यूमन बींग्स में एक डिजीज करता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी। एसटीडी क्या डिजीज, क्या नाम है उसका? ट्राइकोमोनासिस। ट्राइकोमोनासिस एक डिजीज है जो ट्राइकोमोनास काज करता है इंसानों के अंदर, और ट्राइकोमोनास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ में आता है। ये हेटेरियोट्रॉपिक है, हेटेरियोट्रॉपिक। और दिस इज अबाउट एमोबॉइड प्रोटोजोआ एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। और तीसरा आता है फिर सीलिएटेड प्रोटोजोआ जिनका करेक्टरिस्टिक नंबर पैरामिशन है। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी। ओके, थैंक यू।